जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ नजर आए शाहरुख खान। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड कप का है वोल्टेज वाला महा मुकाबला पाकिस्तान बना बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला गया, जहाँ दोस्तों बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने शानदार 204 रनों का लक्ष्य रखा, जहां दोस्तों बांग्लादेश टीम के खतरनाक बल्लेबाज लिटन दास का तूफान देखने को मिला। दोस्तों उन्होंने 64 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 45 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और दोस्तों मिडिल ऑर्डर में महमूदुल्ला का विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिला, जहाँ दोस्तों उन्होंने 70 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोस्तों उन्होंने अपने पारी के दौरान 6 चौके और 1 छक्के लगाए। लेकिन दोस्तों अंत में बांग्लादेश टीम के कप्तान साकिबुल हसन 64 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन की पारी खेल डाली। और दोस्तों इसके बाद बांग्लादेशी टीम की कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने नहीं चल सके। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी टीम की गेंदबाजी की बात करें तो शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने अपने ओवर के दौरान 3-3 विकेट झटके। और दोस्तों जब पाकिस्तानी टीम इस चीज को हासिल करने के लिए मैदान में उतरी तो इस चीज को आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों जब पाकिस्तान टीम ने यह महामुकाबले को अपने नाम कर लिया तो स्टेडियम में मैच देख रहे शाहरुख खान ने मैदान में आकर बाबर आजम के साथ गले लगाए।